चलिए आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर के गजरा रोड रेलवे स्टेशन के पास एक पुराना कुआं है। मरुस्थल में बड़े रेतीले टीलों के बीच इस कुएं को देखकर एक तत्कालीन रेलवे अंग्रेज अधिकारी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यही नहीं, जब उसने कुएं का पानी का मीठा पानी पिया तो उसकी आंखें भी चमक उठी। और इसके बाद क्या कुछ हुआ, अंग्रेज अधिकारी और कुएं से जुड़ी देखिए ये खास रिपोर्ट। बाड़मेर की गडरा रोड कस्बे के रेलवे स्टेशन से करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक पुराना कुआं है। बताते हैं कि 1900 ईस्वी में जब जोधपुर हैदराबाद के बीच रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, तब एक रेलवे अंग्रेज अधिकारी को इस कुएं के बारे में पता चला। अंग्रेज अधिकारी को आश्चर्य हुआ कि इस मरुस्थल में बड़े रेतीले टीलों के बीच पानी कैसे हो सकता है। जब उसने इस कुएं का मीठा पानी पिया तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने उस कुएं को अपने अधिकार में ले लिया और कुएं से 40 फीट दूरी पर दूसरा कुआं खुदवाया। दोनों की 400 फुट अंदर से चुनाई कराकर पक्की दीवार बनाई गई। दोनों कुओं के बीच सुरंग बनाकर इन्हें आपस में जोड़ दिया गया। सुरंग के बीच एक कमरा बनवाया। उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं होने से भाप के इंजन से बॉयलर चलाया जाता था और उसी से पंप चलाया जाता। कुएं के नीचे कमरे में बैठने की व्यवस्था की गई। इसमें दो दो खलासी 8-8 घंटे की ड्यूटी 24 घंटे करते और पंप में लुब्रिकेंट ऑयल देते रहते थे जिससे पंप गर्म ना हो पाए। लगातार 24 घंटे पानी निकाला जाता क्योंकि जोधपुर से हैदराबाद के बीच सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता थी। इस प्रकार की व्यवस्था करके 1902 में पानी की व्यवस्था की गई। बताया जाता है कि इस पानी से ही रेलवे के भाप के इंजन चलते थे। बाद में पानी का था भंडार मिलने से ये पानी न्यूछोर, बाड़मेर, लूणी तक सप्लाई होता था। रेलवे टैंकरों से पानी ग्रामीणों को पीने के लिए भी उपलब्ध करवाया जाता था। साथ ही रेलवे की भाप इंजनों और कर्मचारियों के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाता था। भाप के इंजन स्टीम के द्वारा। अच्छा। सन 70 तक मतलब क्या स्टीम से काम चला। 71 के बाद में डीजी सेट लग गए तो उससे पानी नहीं आता था। अच्छा। और 1985-86 के बाद में लाइट। हाँ, वो कमरा इसलिए कि पंप रूम बना हुआ था, पंप पानी में अंदर डूबे हुए थे, नहीं स्टीम के पंप बाहर लगे हुए थे। अच्छा। इसलिए उसकी जगह के लिए उन्होंने कमरा बना के उसमें रख दिया था। अच्छा। तो वो उसके नीचे भी कर्मचारी रहते थे? नीचे 8 घंटे रहते थे, 24 घंटे ड्यूटी रहती थी। अच्छा। 8-8 घंटे में ड्यूटी बदलती थी। उन लोगों का क्या काम रहता था? उनको अंदर जाकर उसकी पंपों की देखभाल, लुब्रिकेट करना, पंपों की देखभाल। स्टीम कम ज्यादा पड़ती तो पानी टूट जाता था, इसलिए 8 घंटा रहना जरूरी हो जाता। ये पानी स्टीम इंजन भी लेते थे, आम पब्लिक और कर्मचारियों के लिए भी पानी सप्लाई होता था टैंकर द्वारा। और ये इसका पानी अंग्रेजों के टाइम में जब 1947 से पहले न्यू छोर से लगाकर लोहे तक पानी चलता था। यही पानी वहाँ तक काम में लिया जाता था, पीने के लिए भी और भाप के इंजनों के लिए। सेवानिवृत्त पंप ड्राइवर चोखाराम ने बताया कि भाप इंजन के बाद में डीजल इंजन पंप सेट आ गया और उससे और सुगमता हो गई, इसलिए पास में ही एक बड़े हौज का निर्माण करवाया गया जिनको 3 भागों में बांटकर एक हिस्सा ग्रामीणों के लिए और एक हिस्सा रेलवे कर्मचारियों के लिए और शेष आधा हिस्सा रेलवे टैंकरों के माध्यम से गडरा से लूणी, समदड़ी, बाड़मेर, मुनाबाव, न्यू छोर तक ले जाया जाता था। जोधपुर से हैदराबाद चलने वाली भारत पाक रेलवे टैंकरों के माध्यम से दूर दूर तक पानी ले जाया जाता था। आजादी के बाद भी काफी समय तक सीमावर्ती गांवों में पानी पहुंचाया जाता था। वर्तमान में ट्यूबवेल और बिजली मोटर के माध्यम से पानी की सप्लाई हो रही है। रेल के डीजल के सेट के इंजन आ गए हैं, लेकिन तत्कालीन समय में इसी कुएं से सभी जगह जल सप्लाई होती थी। यह ऐतिहासिक धरोहर जब भी देखते हैं तो पूरा इतिहास सामने आ जाता है। तत्कालीन समय में साधन कम होते हुए भी हजारों किलोमीटर दूर तक पानी भेजते थे और कई लोगों की प्यास बुझाई जाती थी, जबकि वर्तमान युग में हजारों इंजीनियर और अथाह साधन होते हुए भी 10 किलोमीटर दूरी वाले ग्रामीणों की प्यास भी नहीं बुझ पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।